फुल गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग का काउंसलिंग के बारे में। जो आपका रिजल्ट आया है वो नोटिस जो आया था, पूरा रिजल्ट जो आया था काउंसलिंग का, वो मैंने वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ दिए थे वहाँ पे और समझा भी दिए थे। तो वो वीडियो आप जो रिसेंट में मैंने अभी अपलोड करी है वो चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे जो स्टूडेंट के डाउट आ रहे हैं काउंसलिंग को लेकर के, उनको जैसे देखो एक कॉमन डाउट आ रहा है कि दी जो FCNA वाले स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्होंने सिर्फ कुछ एम्स फिल किए थे और उनमें उनका नाम नहीं आया, तो अब क्या उनको सेकेंड राउंड में जो हैं क्या वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते चॉइसेस को, उनका क्या होगा। तो बेसिकली देखो FCNA वाले स्टूडेंट्स से मान लो एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, कि एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार एम्स फिल किए थे, दिल्ली, जोधपुर, भोपाल और ऋषिकेश, ठीक है। उन्होंने ये सिर्फ चार एम्स फिल किए और एम्स उन्होंने फिल ही नहीं किए। अब हमारे पास में वो क्या होती है, प्रायोरिटी क्या होती है कि आपने एम्स ने गाइडलाइंस दी है कि आपको क्या करना है, जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें आप चॉइसेस को जो है चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, मतलब शफल नहीं कर सकते हो, एडिट नहीं कर सकते हो। तो इस केस में जो FCNA वाले स्टूडेंट हैं वो और ऐड तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या अब वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में उनको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये डाउट है। तो देखो वो डिपेंड करता है ओनली कि जो यहाँ पे सीट्स फुल हुई हैं इन एम्स में, मान लो अगर ऋषिकेश में सीट्स फुल हो गई हैं बट कोई बच्चा एक या दो बच्चे हैं या पांच बच्चे हैं वो सीट ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, वो सीट ड्रॉप कर देते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि आपको एम्स मिल जाए जो आपने ये फिल किए उनमें से, अदरवाइज चांसेस नहीं होते हैं। बट मोस्टली 90% चांस है कि आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा अगर रैंक अच्छी होती है तो। और जो सेकंड डाउट आ रहा है काउंसलिंग का कि दी हम ऑफ़र लेटर और आपका सीट एलोकेशन लेटर है वो कैसे डाउनलोड करें, तो जब आप ID लॉगिन करोगे वहाँ पे जैसे रिजल्ट का टैब होता है ना कि रिज़ल्ट यहाँ से आप देख सकते हो, और उस इसी तरीके से एडमिट कार्ड का ऑप्शन होता है, उसी तरीके से एक ऑफ़र लेटर का भी ऑप्शन होगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। FCNA का डाउट मेजर था जो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया। अभी काउंसलिंग के रिलेटेड कोई भी तुम्हारा अलग डाउट आ रहा है, मोस्टली बच्चों का यही डाउट आ रहा था, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट में मैं वीडियो में डिस्कस कर दूँगी ताकि आपको अच्छे से और वो चीज़ समझ में आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।